तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्नेहा। आज हम अपने एडेनियम के अपडेट देने वाले हैं। आज है संडे और संडे मैं अपडेट देती हूँ अपने पूरे गार्डन की, मतलब पूरे एडेनियम की, जो भी प्लांट जैसे चल रहे होते हैं। तो यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ, सबसे बड़ा प्लांट जो मेरा है ये लगभग 4.5 या 5 साल का प्लांट मेरे गार्डन में हो गया, मतलब कि 4 साल मुझे लाए हो गया। और इसका जो साइज़ है वो कम से कम 20 साल से कम नहीं है, इतना बड़ा इसका कोटेक्स हो गया है। ये लगभग 2.5 साल के प्लांट है मेरे, 2.5 साल 3 साल के लगभग, ये वाले जो कोटेक्स आप सारे देख रहे हैं। और ये भी इसी तरह से ये 2.5 साल के होंगे, वो वाले 3 साल के हो गए होंगे। तो इस तरह से इनकी जो एज है। और मैंने लास्ट ईयर ही सब पे ग्राफ्टिंग की है, इस पे मैंने ग्राफ्टिंग नहीं की क्योंकि इसका फ्लावर बहुत ज़्यादा सुंदर था, एकदम डार्क रेड कलर, बिल्कुल डीप रेड। तो मैंने इस पे ग्राफ्टिंग नहीं की है। मल्टीपल ब्रांच आप देख सकते हैं प्रूनिंग के बाद कितने ज़्यादा निकल करके आई हैं। और इस प्लांट में मैंने 2 कलर ग्राफ्ट किया था, एक तो मैरून है, दूसरी येलो कलर की है। देखिए येलो में कलियाँ भी आ गई हैं। और इसको मैंने अभी बहुत लेट, मतलब अभी बस 2-4 दिन पहले इसकी प्रूनिंग की है और कुछ लगाया भी नहीं। देखिए फंगिसाइड भी नहीं लगाया, उनकी प्रूनिंग मैंने पहले कर दी थी। बहुत अच्छी मल्टीपल ब्रांच निकल करके आई हैं। और जो लास्ट वाला प्लांट है ना मेरा, वो कटिंग से तैयार हुआ प्लांट है, उस पर मैंने ग्राफ्टिंग की थी। ये देखिए जो सबसे आखिरी में दिख रहा है वो वाला, उसमें कम से कम तो 20 से 25 ब्रांच इस पर निकल करके आई हैं। और इसकी भी मैंने प्रूनिंग अभी 3 दिन पहले ही की है, पहले नहीं की थी। यही था कि ब्रांच को सेव करके रखूँगी ग्राफ्टिंग के लिए, फिर मैंने कर दिया क्योंकि लेट होता है और फिर सेप अलग अलग दिखता, इस वजह से नहीं की। तो जब ग्राफ्टिंग मैं करूँगी अभी मई जून या जुलाई अगस्त में, तो कुछ नए प्लांट तैयार हो जाएंगे, जैसे कि कुछ मैंने नए ऑनलाइन मंगाए थे उनमें की ग्राफ्टिंग कर दूँगी। और या तो फिर इन्हीं का कुछ, मतलब जो मैंने कटिंग लगाई है वो भी ग्रो हो जाएगी शायद, लग रहा है। और एक प्लांट पर मैंने 1, 2, 3 और ये ब्रांच पता नहीं क्यों सूखी सूखी लग रही है, मुझे प्रून करना पड़ेगा शायद। ये देखिए यहाँ से सूख गई है, अच्छा वो देख लिया मैंने। तो 4 या 5 मैंने ग्राफ्टिंग की थी, 1, 2, 3, 4, मतलब 4-5 कलर की इसमें। ज़्यादातर मैंने रेड सिंगल पेटल और डबल पेटल और येलो और एक पिंक वेरीगेटेड ऐसे करके मैंने इस पर ग्राफ्टिंग की थी। यहाँ पर देखिए मुझे लगता है देसी ब्रांच निकल गई है साइड से, इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो इसको मुझे आज कट करके हटा देने से 5 ब्रांच निकल रही है, देख सकते हैं आप, जो देसी वाली निकली है। तो वैसे देसी अगर अलग से, जैसे ये भी देसी हो गई, मतलब इसकी ग्राफ्टिंग भी फेल हो गई थी तो मैंने फिर दोबारा नहीं की, इसकी भी फेल हो गई। अच्छी ग्राफ्टिंग फेल ही हो गई है, ये सिंगल मतलब सिंपल ब्रांच ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 6, 7 ब्रांच इसमें सक्सेस हुई थी, 2 ब्रांच मेरी फेल हो गई थी। तो फिर मैंने दोबारा ग्राफ्टिंग नहीं की, और वही सही भी रहता है। अगर दोबारा ग्राफ्टिंग करते हैं ना तो ज़्यादातर प्लांट ख़राब हो जाता है, मैंने देखा है, क्योंकि उसको उतने टाइम तक हम फिर से छाया में रखते हैं, फिर वो पानी का बैलेंस थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना, उसी चक्कर में प्लांट मर जाता है। तो इसकी ग्राफ्टिंग मैं नेक्स्ट ईयर कर लूँगी, इस साल तो अभी प्रून नहीं कर रही हूँ। इसमें मैंने 5 कलर की ग्राफ्टिंग की है, 4 कलर की, और बाकी के 2 ब्रांच अभी रह गई है। यहाँ पर दिखा दूँ आपको, तो जो फ्लावर मैंने आपको नीचे दिखाया था ना फर्स्ट में, थोड़ा ब्लैकिश सा कलर, उसी का देखिए ग्राफ्ट करके 2 प्लांट मैंने तैयार किए थे, एक ये है एक नीचे ही रखा है। तो इसमें देखिए अब कलियाँ आ गई हैं और इस तरह से चल रहे हैं अभी प्लांट। तो अभी प्रूनिंग, रिपोर्टिंग, ग्राफ्टिंग जो भी आपको करना है कर लीजिए, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौसम है। इधर सारी सीडलिंग के जो यहाँ पे थी उसको उधर पीछे शिफ्ट कर दिया था, उसकी ग्रोथ भी देखिए अब थोड़ी सी दिखने लगी है। तो 1 महीने में ये रूट स्टॉक मेरे लगभग तैयार हो जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अप्रैल में ग्राफ्टिंग कर लूँगी कुछ प्लांट्स पे, और इधर के भी देखिए 1 महीना में शायद ये तैयार हो जाएंगे। नहीं तैयार होंगे तो कोई बात नहीं, मैं फिर जुलाई से ग्राफ्टिंग इस बार स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने लगभग 60-70 प्लांट ग्राफ्ट कर लिए हैं, तो देखते हैं उनको तब तक मैं तैयार करके सेल कर दूंगी। फिर इधर देखिए जो मैंने अक्टूबर में ग्राफ्टिंग की थी उन पे रिपोर्टिंग करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है इन सबको। इनकी ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है क्योंकि अभी इतना जल्दी, मतलब जादू तो होता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में, और गार्डनिंग में तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम सोचे कि आज हमने लगाया कल उसमें ग्रोथ दिखाई देने लगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में। तो रिपोर्टिंग के बाद अभी बिल्कुल भी ग्रोथ किसी प्लांट पे किसी में दिखने लगी, जैसे जो मैच्योर कोडेक्स थे ना उनमें दिखने लगी है, जो छोटे छोटे से बिल्कुल बेबी प्लांट थे उनमें अभी ग्रोथ कुछ भी नहीं दिख रही है। तो धीरे धीरे दिखने लगी, इसमें भी दिखने लगी। इसका भी कोडेक्स बहुत अच्छा है, वेरीगेटेड, मैंने 3 लेयर मतलब 3 ब्रांच पर ग्राफ्टिंग की थी। तो उधर भी मैंने कुछ सीडलिंग रिपोर्ट की है। अभी रिपोर्टिंग वाला ना लगभग 1 महीने से मैं कंटिन्यू रिपोर्ट ही कर रही हूँ प्लांट को। और ये एक प्लांट मैंने
कल रिपोर्ट किया ये बिग प्लांट, और आज भी मैंने कम से कम 25 प्लांट रिपोर्ट किए। कुछ ग्राफ्टिंग जो सक्सेस हो गई थी, एक ये रिपोर्ट किया जिसको मैं अभी कोकोपीट से थोड़ा सा ऊपर से कवर करना था, जो मैं रोज़ भूल जाती हूँ क्योंकि इसकी जो स्टेम है, रूट है, थोड़ी सी श्रिंक हो रही है। ये देखिए 6-7 महीने की सीडलिंग में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं, इतने प्यारे प्यारे से। ये देखिए ये एक दो और उधर भी एक दो में खिला हुआ है। तो ये है हमारा अडेनियम का छोटा सा गार्डन। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पर देखिए कुछ प्लांट हैं जो मैंने ऑनलाइन बाय किए हुए थे, उनमें भी फ्लावरिंग अब कलियाँ सब में बनने लगी हैं। और देखते हैं कौन सा कलर टैग, तो जो कैटलॉग में रहता था वैसा कलर तो किसी में अभी तक निकला नहीं है। एक दो प्लांट में निकला है पर बाकी अभी खिले भी नहीं हैं। देखते हैं खिलेगा तो कैसा निकलेगा। इसका मुझे याद नहीं कि इसमें क्या कलर क्या टैग लगा हुआ था, नंबर वंबर सब मिट गए इसके, और इसमें तो लगा हुआ है। अब देखते हैं 948 नंबर का है ये टैग इसका। देखती हूँ मैं इसमें व्हाट्सअप में अपने देखूँगी कौन सा कलर था ये। और इधर मैंने इनकी दो की प्रूनिंग कर दी है। ये एक पर्पल कलर का प्लांट है, नहीं हाँ पर्पल है शायद, पर्पल है नहीं पर्पल नहीं है। इसका कलर भी इसी तरह से डार्क रेड कलर में आता है डबल ट्रिपल लेयर में, और इसका भी इसी तरह से डार्क रेड कलर का ही फूल है, दोनों में सेम है। और ये देखिए इसका फ्लावर, फर्स्ट फ्लावर खिला और देखिए कैसे फट गया है। ये ज़्यादातर वैसे फर्स्ट फ्लावर में कोई ऐसे मतलब यही होता है कि ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स की कमी या बोरोन की कमी की वजह से ये ऐसा फ्लावर खिलता है, लेकिन ज़्यादातर फर्स्ट फ्लावर ही खिलेगा, उसके बाद जो कलियाँ आएंगी वो अच्छी निकलती हैं। तो अगर आप इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे एक बार कर देंगे ना, तो जो बोरोन की कमी है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तो सारा चीज़ सारे कुछ होता है, तो इसलिए। और इधर दिखा दो जो प्रूनिंग पहले की थी थोड़ा, तो उनमें अच्छी ग्रोथ निकल करके आ गई है सभी प्लांट में। और इसमें थोड़ी सी छाया पड़ रही है, जो पॉलीथीन ढका हुआ है ना इसकी छाया आ रही है, बिल्कुल भी धूप अभी नहीं आ रही ठीक से। तो धूप अभी ज़रूरी है प्लांट्स को। और अडेनियम को आप फुल सनलाइट में ही रखिएगा, बड़े प्लांट हैं तब तो उनको भी रखिए ही। और इधर सारे मेरे सकुलेंट भी रखे हुए हैं यहीं पर। तो ये सीडलिंग भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, और ये सीडलिंग मैंने थोड़ा बाद में की थी, एक सीड बना था मतलब दो सीड पॉट से ये सीड तैयार हुए थे। और इधर भी देखिए अभी थोड़ा सा छाया है क्योंकि वही पॉलीथीन की छाया इधर आ रही है, मैंने कवर नहीं किया है फिर भी से। और ये देखिए ये भी सारे मेरे जो ऑनलाइन मैंने बाय किए थे वही अडेनियम है। तो इनमें अभी देखिए ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं दिख रही, एक एक पत्ती किसी में आई है, किसी में बिल्कुल भी, इसमें तो कली आ रही है और इनमें किसी में पत्तियाँ भी अभी नहीं आई हैं। तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी क्योंकि सब अक्टूबर के लिए हुए प्लांट थे, तो इनमें कुछ अक्टूबर के थे कुछ अभी मैंने फिर से मंगाए थे। और इसमें देखिए ग्रोथ आ गई है, इसकी पत्तियों का कलर पता नहीं कैसा निकल के रहा। यहाँ से मैंने उठा करके अभी 10 प्लांट और आज रिपोर्ट किए। और ये देखिए एक ये बहुत प्यारा सा कलर है, बहुत ही सुंदर सा, ये देखिए इसकी मैं ग्राफ्टिंग करूँगी, अभी चाहूँ तो कर सकती हूँ, 2-4 प्लांट तैयार कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं खिलने दूँगी क्योंकि इसके फ्लावर मैंने फर्स्ट टाइम देखे, साल भर से ही पहली बार खिला हुआ है। और इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, ये पर्पल वाला है, इसमें 3-3 ब्रांच दोनों में निकल करके आई थी, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो मैंने इसको दोबारा से फिर से प्रून किया है, नहीं तो इसमें 6-8 ब्रांच निकल के आए थे। तो इसमें तो देखिए 2 निकली हुई है, इनको मैंने दोबारा से प्रून किया फिर। और ये हमारे 4 प्लांट जो मैं कल लेकर के आई थी, ये देखिए ये डार्क मतलब पिंक कलर में है, बहुत सुंदर से फ्लावर है इसका भी। और एक इसका देखिए टैग दिखा दूँ आपको, अब ये मुझे लगता है जितना सुंदर मतलब जिस तरह टैग में दिखता है ना फ्लावर, उससे ज़्यादा सुंदर खिलता है। जिसका फ्लावर खिला हुआ था ना उसका मैंने देखा है, ये फायर ओपल का प्लांट है, ग्रीन फायर ओपल, बाद में धीरे धीरे पिंक हो जाता है इसका फ्लावर। और ये वाइट कलर का एक प्लांट मैंने लिया था, तो इस तरह से। और इधर कुछ 2-4 प्लांट मैंने फिर से ग्राफ्ट किए, सीडलिंग बहुत छोटी थी फिर भी मैंने ग्राफ्ट कर दिया, क्योंकि एक ब्रांच को मैंने प्रून किया था तो वो ब्रांच वेस्ट हो जाती है, इसलिए मैंने फिर इन पे ग्राफ्ट किया, कल रात में किया इनको। और ये कुछ ग्राफ्टिंग है जो कुछ सक्सेस हो चुके हैं, कुछ सक्सेस हो गए थे जिनमें से मैंने आज रिपोर्ट कर लिए। देखिए 10-12-13 प्लांट मैंने इससे रिपोर्ट किया, और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे उनको भी रिपोर्ट किया। ये देखिए यहाँ पर पूरे रखे हुए हैं साइड से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसी ग्राफ्टिंग सक्सेस होती जाएगी तो मैं रिपोर्टिंग भी करती जाऊंगी, ताकि इनकी ग्रोथ जल्दी अच्छी निकल करके आए, क्योंकि छोटे छोटे पॉलीबैग में लगे हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है इसके अंदर, तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।